हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, वो तो है, अभी भी है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान क्या अभी भी उतना ही है जितना पहले हुआ करती थी? अगर 1991 की बात करें तो उस समय जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो योगदान है वो 35% हुआ करती थी। लेकिन रिसेंट में एक जो है रिटर्न रिप्लाई अर्जुन मुंडा जी ने दिया है लोकसभा में जो है इस प्रश्न का, कि अभी जो है वो 35% 1991 में था, वो डिक्लाइन करके 15% हो गया है। क्या मतलब है इसका? जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 22-23 के अनुसार कितना है? 15%। तो ये परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वॉल्यूम में एग्रीकल्चर बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सिकुड़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अन्य सेक्टरों का जो कि पहले योगदान कम हुआ करती थी, अब उसका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और खास करके इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का, इनका योगदान बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का वॉल्यूम इतना बड़ा होते हुए भी अब उसका परसेंटेज क्या हो गया है? कम हो गया है। यहाँ एक बात आप समझ लें कि एग्रीकल्चर का जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो लगातार हो रहा है, वो सिकुड़ नहीं रही है, वो लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप पिछले 5 वर्षों का देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में 4% के लगातार रेट से वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन ओवरऑल जीडीपी में बात करें, ओवरऑल जीडीपी में उनका योगदान अब जो है वो 15% है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आपके कृषि मंत्री है मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने ये लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई दिया है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो लगातार ग्रो कर रहा है 4% के रेट से, उसमें जो है आपका किसान सम्मान निधि योजना पर भी उन्होंने कहा है कि इनका इसका जो है बहुत योगदान है। और 2019 से जब ये किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई है, जिसमें कि 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है, अभी तक 2.81 लाख करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के रेस्पेक्ट में अन्य सेक्टर ने अब उतना ज्यादा ग्रो किया है कि इसका वॉल्यूम बड़ा होते हुए भी ये कहाँ पहुंच गया? 15% पे। मतलब इसका एक थोड़ा सा अगर आप और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी निर्भरता जो है अब कृषि क्षेत्र में तो है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी अब होते जा रही है। हम इंडस्ट्री में भी अच्छा कर रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में तो बहुत पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, अभी और भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 1991 में अगर 1,000 करोड़ की जीडीपी थी तो 350 करोड़ उसमें केसीसी का योगदान, सॉरी एग्रीकल्चर का योगदान था। अब जो है अभी जो है मान लीजिए 5,000 करोड़ की, अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ की जीडीपी हो गई तो अब उसका योगदान कितना है? 750। तो एग्रीकल्चर देखिए 350, 750 हुआ ही, ग्रोथ तो इसमें है ही, लेकिन अन्य सेक्टर का ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो गया। इस कारण से ये क्या हो गई? परसेंटेज के रूप में यह कम हमें दिख रही है। तो ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि हमारा अन्य सेक्टर जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यही था आज के वीडियो में, कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।